हेलो एवरीवन, और आज हम सीखने वाले हैं आलू भुजिया नमकीन बनाने की रेसिपी। आलू भुजिया जो हल्दीराम वाली पैकेट खरीद के हम लोग खाते हैं, बाजार वाली जो हम सबको बहुत पसंद आती है, वही आलू भुजिया की रेसिपी आज हम सीखेंगे। घर पे कितनी आसान तरीके से हम उसे बना सकते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, रेसिपी पसंद आए तो औरों के साथ भी शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बिलो कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आलू भुजिया बनाने के लिए ये मैंने बॉयल आलू ले लिए, जिसे मैंने छील के ले लिया है, और अब मैं इसे ग्रेट कर दूंगी। एक ग्रेटर, ये मैं पतला वाला इसलिए यूज़ कर रही हूँ, जिससे अदरक नॉर्मली हम लोग ग्रेट करते हैं, बिकॉज इससे एकदम पतला ग्रेट होगा और बहुत अच्छे से आलू में एकदम गांठे नहीं होनी चाहिए, इसका रीज़न इसीलिए है। तो आलू भुजिया आप जब भी बनाएं तो इसे बिना ग्रेट किए हुए नहीं बनाएंगे हम लोग। तो इस तरीके से मैं सारी आलुओं को ग्रेट कर दूंगी। तो ये मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है, और अब मैं थोड़ा सा बड़ा बाउल ले लूँगी, इसमें मैं डाल दूँगी इन आलूओं को। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा हींग डाल दूँगी, बिकॉज बेसन की कोई चीज़ बनती है तो हींग डालने से हाजमा सही रहता है। और साथ में मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी ये चिली पाउडर, कश्मीरी मिर्च है, ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं। और साथ में सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और अब हम इसमें डालेंगे ये हमारा बेसन। तो हमें इसमें बेसन को डाल के इस तरीके से हाथों से इसे मैश करना है विदाउट यूजिंग एनी वाटर। हमें इसमें पानी का यूज़ अभी नहीं करना है, बाद में अगर ज़रूरत होगी तो हम एक दो चम्मच पानी का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें बेसन और आलूओं को ऐसे ही बहुत अच्छे से मैश करना है, ताकि इसमें आलू के कोई भी बड़े पीस ना रह जाएं। बड़े पीस रह जाएंगे तो हमारे आलू भुजिया सही से नहीं बनेगी। तो ये देखिए, इस तरीके का हमें डो तैयार करना है, स्मूथ एकदम। मैंने इसे बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला, और सिर्फ आलू और बेसन से ही ये डो तैयार हो गया। और अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऐसे ऑयल डाल देंगे, एक चम्मच, और इसको लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, या जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा उतनी देर हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हमारा आलू भुजिया का आटा ये बिल्कुल तैयार है। इसे 5-10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था रेस्ट करने के लिए। ये मैंने मशीन ले ली है आलू भुजिया बनाने के लिए, और उसमें मैंने ये वाला सांचा यूज़ किया है, एकदम महीन वाला, जिससे हमारी सेव एकदम महीन महीन बने। तो इस तरीके से हम इसको इसके अंदर डाल लेंगे, और हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और इस तरीके से आटे को ले लेंगे, और आटे के साइड में भी इस तरीके से ऑयल लगा देंगे, ताकि ये बिल्कुल भी मशीन में चिपके ना। और इस तरीके से हम इसे भर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं। तो ये पैन में मैंने ऑयल चढ़ा दिया था, ऑयल हमारा गरम हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तेल नहीं चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल चाहिए। तो ये ऑयल हमारा गरम हो गया है, और इस मशीन को हम ऐसे चलाते हुए, ये देखिए, इस तरीके से, और हम थोड़ा फ्लेम स्लो ही रखेंगे, थोड़ा मीडियम और कभी स्लो फ्लेम करके आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे चलाते हुए, अब इस थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद हम इसे पलटेंगे। जब ये एक साइड से पक जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो हम इसे पलट लेते हैं। तो ये देखिए, दोनों तरफ से पक गई है, और अब हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे, इस पे रख देते हैं ताकि सारा ऑयल निकल जाए। तो अपनी सारी आलू भुजियों को मैंने फ्राई कर लिया है, और फ्राई करने के बाद देखिए ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गई हैं, ये देखिए। तो अब इनको हम थोड़ा टुकड़ों में कर लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, काला नमक वगैरह डाल सकते हैं, पर मैं इनको सादा ही रख रही हूँ, बिकॉज ऐसे ही अच्छी लगती हैं बहुत सारे लोगों को। आप भी इस आलू भुजिया की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसे तुरंत लाइक कर दीजिए औरों के साथ शेयर कीजिए।